फाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो DHL और फेज 10 की फाइल में होती है और DHSET की फाइल में ज्यादा। एक लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज थी आने वाले दिनों में वो ये थी कि जी DHL और फेज 9 प्रिज्म के डी ब्लॉक में भी पोजीशन जो है वो उसके बड़े रोशन का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं शेख आसिफ निसार, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, DHL लाहौर के विलोक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, DHL लाहौर में जैसा कि आपको मालूम है फाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो DHL और फेज 10 की फाइल में होती है और DHSET की फाइल में ज्यादा ट्रेडिंग होती है। डेफिनेटली इनमें जो सेल परचेज का सिलसिला है वो जारी रहता है और उसके बाद जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में ट्रेडिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा DHL लाहौर फेज 9 प्रिज्म में ट्रेडिंग होती है। काफी जगह पे जो है पोजीशन देने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो DHL लाहौर फेज 9 प्रिज्म में घर भी बनना शुरू हो चुके हैं। एक लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज थी आने वाले दिनों में वो ये थी कि जी DHL लाहौर फेज 9 प्रिज्म के डी ब्लॉक में भी पोजीशन जो है वो उसके बड़े रोशन इम्कानात हैं कि दिया जाएगा और डी ब्लॉक के पोजीशन के साथ जो है वो 3 ब्लॉक्स में जो है वो पोजीशन हो जाएगा। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता जो है DHL लाहौर फेज 9 प्रिज्म में जब घर बनना शुरू होंगे, जिंदगी और लाइफ आएगी तो डेफिनेटली रेट्स पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो है जो बिल्डर्स हैं वो ज्यादा DHL लाहौर फेज 9 टाउन 5 परला में ज्यादा बिजी है, वहां पे बड़ी तेजी के साथ जो है वो हर स्ट्रीट में जो है वो घर बन रहे हैं और ज्यादातर जो घर है वो बिल्डर्स ही बना रहे हैं। लेकिन बिल्डर्स के घर उनके हाथों हाथ बिक रहे हैं तो डेफिनेटली वो आगे से भी आगे अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। फेज 9 टाउन में भी इस वक्त जो है वो सेल परचेज का सिलसिला जारी है। फेज 6 और 7 जो दोस्त फेज 6 में प्लॉट लेने की ख्वाहिश है उनका बजट वहां पे पूरा नहीं आता तो डेफिनेटली वो फेज 7 की तरफ उसका अपना रुख करते हैं। फेज 7 में जो है बिल्डर्स और जेन्युइन अपना घर बनाने वालों जो कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर है वो अवेलेबल है। इन्वेस्टर का रुझान दोनों फेजेस में कम है, बिल्डर्स का रुझान जो है वो अभी भी पाया जाता है फेज 6 और 7 में। कीमतों को का अंदाजा इंशाल्लाह मैं अपने नए व्लॉग में बताऊंगा ब्लॉक वाइज रेट में, लेकिन सिर्फ अभी आपको बताने का मकसद ये है कि कहां पे किस तरह का क्लाइंट अवेलेबल है। फेज 8 में भी जो है वो जेन्युइन कस्टमर घर बनाने वाले जो दोस्त हैं वो वहां पे भी प्लॉट जो है वो सर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टर वहां से गायब है, बिल्डर जरूर अवेलेबल है और डेफिनेटली जब उनका कोई एक दो प्रोजेक्ट सेल होते हैं घरों के तो वो आगे जो है वो उसी हिसाब से प्लॉट बाय करने के लिए बिल्डर्स नजर आ रहे हैं। ओवरऑल DHL लाहौर में सेल परचेज हो रही है, लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो गिरावट का शिकार है तो लिहाजा DHL लाहौर में भी इसी तरह के हालात जो है वो हम देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश यही होती है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो और मार्केट के जो करंट हालात हो उसके बारे में आपको बताया जाए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।